हेलो गाइस, वेलकम टू जीएल यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हेलो एवरीवन, विश यू अ वेरी वार्म एंड चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि मैं जीएलयू यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ। मैं यहाँ से बीटेक सीएस कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मालूम है, और नहीं मालूम तो हाँ, मैं जीएलयू यूनिवर्सिटी से बीटेक सीएस कर रहा हूँ। और पहले आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया है ना? क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया ब्लॉग्स में, क्योंकि उसके बाद मेरा कंधा डिसलोकेट हो गया था। आपको शायद बहुत लोगों को मालूम होगा, तो उसकी वजह से वो कसौल वाला प्लान था वो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये एग्ज़ाम्स आ गए, उसके बाद ये एडमिशन। तो अब से शायद ब्लॉगिंग होगी कंटिन्यूसली इस चैनल पर। तो वही है, तो आज का ब्लॉग का सीन ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो जब से मैं आया हूँ तो मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मतलब अ डे इन अ लाइफ ऑफ मी। तो आप बने रहिए ऐसी वीडियो को, मैं चाहता हूँ एंड तक देखिए, और बहुत एंटरटेनिंग होगी आपके लिए, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। 6:19 हो रहे हैं, तो हम अपना दिन आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सभी को लेना भूल गया था अपने साथ। This is 6:30 in the morning, और अब ये जो टाइम है ये मेरा जिम का टाइम है। मैं सभी रूम पे जाके शूज पहने, फिर उसके बाद जिम दिखाते हैं हम आपको। चलो चलो चलो। ओ एवरीवन, दिस इज अवर जिम। वेट, लाइट जला देता हूँ। मेरे को तो परफेक्ट लगती है, बट एक चीज़ की कमी लगती है हमेशा। ये सही है, ये वाली जो मसल्स होती हैं, बट एक जो ये वाली मसल्स की जो होती है ना, जिसमें लेट लेट जाते हैं, फिर उसको पुश करते हैं वेट को, वो वाली मशीन तो मतलब उसकी कमी लगती है। सो गाइज, वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। मैं 2-3 ही एक्सरसाइज करी हैं आज, क्योंकि आज सैटरडे है, तो थोड़ा सा मसल्स को रेस्ट भी मिलना चाहिए। और अभी मैं बिगनर ही हूँ, तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना चाहिए बॉडी पे। जो ये शोल्डर डिसलोकेशन जो लास्ट टाइम हुआ था ना, वो एक तरीके से कहा जाए तो इसी वजह से हुआ था। ओवर स्ट्रेस डाल दिया था मैंने अपनी बॉडी पर, उस टाइम पर मैंने जिम ज्वाइन करी थी। और अब ये टाइम है नहाने का, तो मैं आपसे सीधे नहाने के बाद मिलता हूँ। पसीना हो रहा, बहुत गंदा सा लगता है। सो एज यू कैन सी, मैं नहाकर आ चुका हूँ। तो अब इट्स हाउ मच टाइम, इट्स 7:41 एक्चुअली। सो इट्स टाइम टू गो फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन आई कैच यू लेटर। मूंग की दाल की एक्सपाइजर जो भी आज के ब्रेकफास्ट में ये है, वो ब्रेकफास्ट करके भी हो चुका है। और अभी बच रहे हैं 8:15 अप्रॉक्सीमेटली। सो आज जैसे कि मैंने बताया, क्लास 10 बजे से स्टार्ट होती है मेरी, तो ये 8 से 9, 9 से 10, मैं मतलब 9:50 पर निकलता हूँ रूम से, या फिर 9:40 पर, 10-15 मिनट ही पहले निकलता हूँ।
तो अब ये जो टाइम है इसमें मैं जो आज पढ़ाएंगे उसका रिवीजन वगैरह एक्स वाई जेड देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो इट्स 9:42 निकलना पड़ेगा क्योंकि 10 बजे से क्लास है। मॉर्निंग रूटीन तो देख लिया आप लोगों ने और अब आते हैं हम कैंपस लाइफ पर, तो कॉलेज की तरफ चलते हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हॉस्टल वगैरह है, ये हॉस्टल है एक बराबर में मेरे, ये भी एक हॉस्टल है, ये मेरा वाला हॉस्टल है और सामने इफ़ यू कैन सी ये बास्केटबॉल ग्राउंड है। बाकी तो मैं कैंपस की स्पेशल वीडियो बनाऊँगा ही, बट ये जस्ट ऐसी ओवरव्यू देने के लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ब्लॉग हो रहा है ये हमारा कॉलेज में। बाकी तो हम 4 साल रहेंगे तो जाने कितने ब्लॉग्स आएंगे। ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट है, अभी फ़िलहाल में हमारी क्लासेस इसी में चल रही हैं। सीएस का जो मेन डिपार्टमेंट है AB1 उसमें भी क्लासेस नहीं चल रही हैं, आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट फिलहाल में नहीं चल रही हैं। अभी AB7 में ही चल रही हैं। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग की हमारी लैब है, दैट्स वाई अटेंशन देख रहे हो ब्लॉगिंग सेटअप की वजह से। हमारी लैब तो ख़त्म हो चुकी है, अभी जस्ट जैसे अभी हम प्रोग्राम करते हैं कि एकदम अभी सीख रहे हैं तो एरर ही एरर आते हैं और सर पता नहीं कैसे मेहरबान हो गए, 15-20 मिनट पहले ही छोड़ दिया। अब चलते हैं एक जो हमारा चिलिंग प्लेस है क्योंकि अभी 12 बजे लैब ख़त्म होगी, इसके बाद 12 से एक लंच है, फिर 1 से 2 एक और पीरियड फ्री है। चिलिंग प्लेस हमारा KC ग्राउंड। सो जैसे कि मैंने बताया था आज सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की 2 क्लास थी लगातार, 10 से 11, 11 से 12, और सर ने 15 मिनट पहले भी छोड़ दिया था। अब 12 से 1 तो फ्री लेक्चर है एक, जिसमें मतलब आज कोई क्लास नहीं है, ये सिर्फ फ्राइडे को होता है, और फिर उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक होता है लंच जो कि डेली होता है, तो वो तो फ्री है, तो लगातार 2 घंटे फ्री हैं, दैट्स वाई यहाँ बैठे हुए हैं। लाइब्रेरी का भी कार्ड वगैरह नहीं बना है, फर्स्ट ईयर हैं तो अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं, जरूरी होना मैं लाइब्रेरी में ही बैठा होता। होते हैं KC ग्राउंड, देखो ज़्यादातर सब यहाँ बैठे हुए हैं वैसे। ग्राउंड में बैठा हुआ था, मेरे पास आ गया ये अमन RBM का ही, अभी थोड़ी देर पहले ने प्रथम को दिखाया था, ये अमन और मतलब काफ़ी सारे दोस्त हैं यार अपने अलीगढ़ के जिनसे जान पहचान थी हल्की फुल्की, यहाँ आके थोड़ा सा ना एक बॉन्डिंग हो गई है उनसे। अभी एक और कोई एक और नून आएगा जिसको आप जानते हो ऑलरेडी, गेस करो। इसे बुला लिया मैंने, यही है जो मेहमान जिसकी मैं कह रहा था, पहले देखा होगा तुमने, वो थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है इसकी, तो सुबह से क्लास भी नहीं गई मैडम, अब बुलाया ज़बरदस्ती। अगर आंटी देख रही हो तो देख लो क्या कर रही है, वैसे तबीयत सही में ख़राब है इसकी। तबीयत सही में ख़राब है, अब बुलाया इसको ब्लॉग के लिए, जैसे ऐसे कि फिर बाद में बोला कि पहला ब्लॉग था और 4 साल बाद क्या हो क्या ना हो, जैसे भी वैसे भी तबीयत ख़राब है, कोविड चल ही रहा है। तो मेरी फ्रेंड्स और क्लासमेट कह सकते हैं शुभ हाय। सो अभी हमारी मैथ्स की क्लास छूटी है, हमारे जो हमें रियल टीचर जो पढ़ाती हैं वो आई नहीं थी, तो कोई भी बस आके पढ़ा रहा था, तो उसने पढ़ाया कम थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा किया, सामान पता नहीं कैसे कैसे बस कैसे भी टाइम काट, सेकंड ईयर के क्वेश्चन दे देते हैं हमें, अब हम कहते हैं प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। और ये है कृष्णा। हेलो गाइस, वेलकम टू GL यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई प्रमोशन नहीं है, ये प्रमोशन नहीं है, ये एक फैमिली मतलब फ्रेंडली व्लॉग है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, नीचे गिरा रहा हूं तुझे पूरा सुनते तो दुख। अरे ऐसा भी मत कहो, हमने पैसा खर्च किया भाई। हाँ तो अभी जैसे अभी हम लंच वगैरह करने जाएंगे तब मिलते हैं। ये हमारे वाजपेयी जी हैं, ये भी हमारे क्लास के फ्रेंड हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग, इसके ब्लॉग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अरे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तभी तो देख रहे हैं वैसे। अरे कोई अभी तो ये हमारे नए दोस्त बने हैं, और बाद में मालूम पड़े कब तक चलती है दोस्ती। दुआ है हमारी भाई, तुम जिंदगी भर दोस्ती रहेगी।
चलते रहेगी। चलो, और ये है रोहित सर, ये भी नए आए हैं क्लास में, अभी हॉस्टल में रहते हैं हमारे साथ। सो कॉलेज ख़त्म हो गया है, अभी मैं फ़ोन से ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा खोलने का मन नहीं है, वो डिसेंबल करके बैग में रख दिया है। सो अब हॉस्टल पे जा रहा हूँ, स्नैक्स खाएंगे, फिर उसके बाद आगे रूटीन में कंटिन्यू करेंगे। ये जो टाइम चल रहा है कितने बज गए? इट्स 5:30, तो 5:30 से स्नैक्स मिलने लग जाते हैं, 6:30 तक चलते हैं, तो स्नैक्स खाने जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम स्नैक्स वगैरह खाने जाते हैं ना, डिनर ब्रेकफास्ट, तो हमें ये ऐसे एक ग्लास एक चम्मच, ये जब हॉस्टल में फर्स्ट डे आते हैं ना तभी दे दी जाती है, तो हमें ये लेके जानी पड़ती है, कंपलसरी नहीं है तो हमें ज़रूरत है इसकी, चम्मच कुछ भी खाने के लिए और ग्लास चाय वगैरह पीने के लिए, कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चम्मच और ग्लास अवेलेबल नहीं होती, वहाँ सिर्फ जो प्लेट होती है ना इसमें पार्टीशंस बने होते हैं। दिखाऊंगा अभी, मैं डिनर पे शूट नहीं करूँगा अभी, बस स्नैक्स का टाइम है तो शूट करूँगा, अभी तब लाइटिंग का इशू होगा, तो चलते हैं स्नैक्स खाने के लिए। ये है हमारे हॉस्टल का नाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, और वो सामने जहाँ पर तुम देख रहे हो वो ऊपर बच्चे दिख रहे हैं सेकेंड फ्लोर पर, हाँ तो वो है हमारी मैस। तो अभी स्नैक्स का टाइम है जैसे मैंने बताया, मैस में जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या मिले क्योंकि आज मैंने लंच मिस कर दिया था, देखते हैं मैस में, होप तो बड़ी बड़ी है, कभी का मूड खराब हो जाता है स्नैक्स में, उसके बाद चलेंगे क्रिकेट ग्राउंड में। साहब हक दिया इन लोगों ने, मतलब कि एक्सपेक्टेशन थी कि आज स्नैक्स करूँगा अच्छा खासा, क्योंकि लंच नहीं मिला था और बिस्किट और चाय, मतलब कोई सेंस बनना है इनका, समोसा वमोसा होता तो ठीक है, चलो इसी से काम चलाएंगे। और डिनर पे मैं शूट नहीं करूँगा क्योंकि लाइटिंग का इशू होता है, अभी कैसी लाइटिंग हो रही है मैं बता देता हूँ। 9 बज रहे हैं, तो हमने लास्ट बात करी थी स्नैक्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5:30 या 6 बजे के आसपास हमने बात करी थी, तो इस बीच में ये जो 6 से, मतलब वैसे तो डेली में 6:15 बजे के आसपास आता हूँ, तो ये जो 6 से 9 का टाइम है ये मेरा अपना टाइम होता है, इसमें मैं जैसे घर पे बात कर लेता हूँ, कुछ देखना होता है यूट्यूब वगैरह पे वो देख लेता हूँ, और जो अपना फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रही हूँ, हॉस्टल में ऐसे दोस्तों से बात कर रही हूँ, मतलब जस्ट ऐसे ही कुछ भी जो चिलिंग टाइम होता है वो है ये। अब इसके बाद 9 बजे से फिर वो जो गेट है ना अपना, वो लॉक हो जाता है, हाँ वो लॉक हो जाता है, फिर उसके बाद कोई एंट्री नहीं है इसमें, तब से मना करता हूँ भाई अब नहीं, अब मैं बिजी हूँ, तो बाद में बात करूँगा इस टाइप से। तो ये जो टाइम है शुरू हो चुका है, इसमें मैं अपने ऊपर वर्क करता हूँ, जैसे जो भी है हमारा कोडिंग से रिलेटेड या फिर जो पढ़ाया है आज उससे रिलेटेड, आजकल तो यही चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठिए और शुरू करते हैं अपना। सो गाइज, इस सीन के बाद मेरे को एंडिंग शूट करी थी मैंने, ऐसे मुझे अच्छे से याद है 12:30 के आसपास बज रहे थे, ये सेशन जैसे ख़त्म हुआ था टाइम लैप्स, उसके बाद मैं एंडिंग करके कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ ऐसे कह के मैं सोने चला गया था, और पोपट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा थक गया था और नींद में था, तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया, सब कुछ बोल बाल के ट्राईपॉड ऐसे रख के, और पता नहीं कैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक सीन आ गया जिसमें मैं सो रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं आया, तो एडिटिंग में कर रहा था, तो अभी मैं सोचा यहाँ से ऐड कर दूँ उस बात को, कि इस व्लॉग में इतना ही, तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसे काफ़ी सारे व्लॉग आएंगे कॉलेज के, और मोहित की भी अलग लाइफ चल रही है वहाँ पर, तो मोहित के भी आएंगे, कई जगह मुझे याद आई मोहित की बट मैंने मेंशन नहीं किया, सो सॉरी मोहित। तो इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, आई होप यू एंजॉयड दिस, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।